सारंगढ़ कोसीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कपिस्ता में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास 65 वर्षीय कपिस्ता निवासी रामलाल साहू अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था, तभी उसके पुत्र सफेद साहू, जिसकी उम्र 35 वर्ष, ने आपसी किसी बात के चलते पिता के साथ बहस करने लगा और मामला इतना बढ़ गया कि पुत्र ने गुस्से में आकर पिता के सर पर फावड़े से वार कर दिया। चोट इतनी गहरी लगी कि मौकाए वारदात पर ही पिता की मृत्यु हो गई। वहीं घटना जानकारी गांव वालों ने मामले की सूचना तत्काल कोसीर पुलिस को दी, जिस पर कोसीर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ व मामले की जांच में जुट गई है तथा शव का पंचनामा व कानूनी कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए सारंगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। ग्राम कपिस्ता अव में सफेद साहू द्वारा उसके पिता रामलाल साहू को घरेलू आपसी विवाद में चावल बेचने के कारण आपसी वाद विवाद हुआ था, जिसमें आवेश में आकर सफेद साहू द्वारा उसके पिता को पास में रखे फावड़ा से सिर पर मार दिया है, जिससे रामलाल साहू की मौत हो गई है। विवेचना जारी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, इसे रिमांड पर भेजा जाएगा।